जिले के युवाओं को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत सीपेट में प्रशिक्षण के लिए फर्टिलाइजर में 10 एकड़ के में प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन के अनुसार सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग सीपेट में कौशल विकास योजना के तहत चयनित युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही युवाओं को रोजगार की गारंटी भी दी जाएगी। सभी प्रशिक्षित युवाओं को प्लास्टिक उद्योगों में प्लेसमेंट दिलाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने बताया, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक मैनेजमेंट का है ये, खासतौर पे जो प्लास्टिक रिसाइकिलिंग में काम करती है। अभी फिलहाल जो हम लखनऊ में एक ब्रांच है, अयोध्या में एक ब्रांच लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम गोरखपुर में भी लाने के लिए उन लोग 10 एकड़ ज़मीन मांग रहे थे। खासतौर पे जो हम लोग कितने प्लास्टिक रीयूज़ करते हैं, यानी जो फेंकते हैं वो अनयूज्ड पड़ा रहता है, खासतौर पे कूड़ा कबाड़ा वाला बिनता है जो इन्हीं लोग के देते हैं, वो प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में कितने एडवांस टेक्नोलॉजी उसी के बारे में पूरा ट्रेनिंग देते हैं, जानकारी देते हैं, रोजगार भी देते हैं और उद्योग कैसे लगाना है उसी के भी पूरा जानकारी देते हैं। एक अच्छा अवसर है गोरखपुर के लिए। इनने 10 एकड़ ज़मीन मांगा है, हम फर्टिलाइजर की तरफ से 10 एकड़ ज़मीन इनके लिए आरक्षित कर रखा है। जल्दी टीम आने वाली है, यदि हो जाएगा तो हम लोग जल्दी इस साल ही हम लोग इसका कोर्स प्रारंभ करेंगे। किसी के भी प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में जानकारी लेना है, डिग्री डिप्लोमा पढ़ भी सकते हैं और उद्योग शुरू करने चाहते हैं वो भी आकर के जानकारी ले सकते हैं, छोटा मोटा उद्योग शुरू भी कर सकते हैं। खासतौर पर जो खुड़ा बिनने वाले जो गरीब लोग जो इसी पे जुड़े हुए लोग रिसाइकिलिंग इंडस्ट्री में, उन्हीं लोगों का बढ़ावा होगा, उन्हीं लोगों के माध्यम से हम लोग इसी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे।